तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमें एक शियर फोर्स डायग्राम गिवन है और उस शियर फोर्स डायग्राम से हमें क्या बनाना है, एक लोडिंग डायग्राम। ऑलराइट, तो देखते हैं कि एक शियर फोर्स डायग्राम से लोडिंग डायग्राम किस तरीके से बनाया जा सकता है। ऑलराइट, सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कुछ ऐसे पॉइंट्स को, कुछ ऐसे की पॉइंट्स को जो हमें बताते हैं कि अगर हमको शियर फोर्स डायग्राम गिवन हो तो हम उससे कैसे लोडिंग डायग्राम बना सकते हैं। और आपके पास अगर लोडिंग डायग्राम आ गया तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इजीली बना सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये शियर फोर्स डायग्राम गिवन है, हमें गिवन है कि ए पे 10 किलो न्यूटन की शियर फोर्स लग रही है, उसके बाद वहां से स्लोप जा रहा है नेगेटिव जो कि 5.5 किलो न्यूटन पर रुक जाता है, उसके बाद एकदम से डाउनफॉल आ रहा है जो कि चला जाता है नेगेटिव 1.5 किलो न्यूटन तक, फिर स्लोप जा रहा है नेगेटिव, फिर चला जाता है नेगेटिव 9 किलो न्यूटन तक, फिर एकदम से राइज आ रहा है जो कि 3 किलो न्यूटन पे चला जाता है, उसके बाद जो है वो कांस्टेंट रहता है शियर फोर्स, उसके बाद 3 किलो न्यूटन से फिर वो जीरो पे पहुंच जाता है। तो ये गिवन है हमें शियर फोर्स डायग्राम। अब मैं पिछले लेक्चर से कुछ की पॉइंट्स को अगर दोहराऊं तो वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास सडन राइज है तो इसका मतलब कोई रिएक्शन या पॉइंट लोड है। नॉर्मली जहाँ पे सडन राइज होता है तो वहाँ पे रिएक्शन होता है, पॉइंट लोड नहीं होता। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड लोड मान के ही चलते हैं, लेकिन जो राइज का केस होता है वहाँ पे सपोर्ट पे रिएक्शन ही यूजुअली हमको मिलता है, तो वहाँ पे सपोर्ट का कोई रिएक्शन हो सकता है। ऑलराइट, उसके बाद जब स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब जो हमारी लोडिंग है वो डाउनवर्ड है, और जहाँ पे स्लोप होता है इसका मतलब जो हमारा लोडिंग डायग्राम है वहाँ पे यूडीएल है। अब ये डाउनवर्ड लोडिंग लग रही है यूडीएल की ए से लेके बी तक, सडनली उसमें डिक्रीज आ जाता है 5.5 से 1.5 तक का, इसका मतलब 7 किलो न्यूटन का डिक्रीज आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में एकदम से सडन राइज या फॉल हो तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है, तो उसी मैग्नीट्यूड से जो शियर फोर्स डायग्राम है उसमें चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे 7 किलो न्यूटन का कोई कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, उसके बाद वो नेगेटिव फिर चलता जाता है और यहाँ पे फिर नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब यूडीएल जो है वो कंटिन्यूड है ए से लेके सी तक, क्योंकि जो स्लोप है वो 10 से लेके 5.5 तक है, फिर वहाँ से 1.5 से लेके 9 किलो न्यूटन तक है, इसका मतलब जो यूडीएल है वो कंटिन्यूड है अप टू 10 मीटर लेंथ अगेन, फिर वो नेगेटिव ही रहता है, नेगेटिव 9 किलो न्यूटन तक जाता है, उसके बाद अचानक उसमें राइज आ रहा है अप टू 3 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन हो सकता है या पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जहाँ पे शियर फोर्स कांस्टेंट होती है उसको कहते हैं हम शियर स्पैन, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जहाँ पे शियर फोर्स कांस्टेंट है मतलब सी और डी के बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है, इसका मतलब जो लोडिंग है वो सी पे है या और फिर डी पे है। तो आई होप कि आपको इससे आइडिया मिल गया होगा कि इसका लोडिंग डायग्राम किस तरीके से होना चाहिए। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा एक डायग्राम बना के देखूँ तो क्या हो सकता है, वो यहाँ पे कोई यूडीएल है जिसकी भी इंटेंसिटी हमें नहीं पता, उसके बाद यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट लोड है जिससे अचानक 10 किलो न्यूटन की जो फोर्स है वो बढ़ गई है, उसके बाद 6 मीटर की दूरी पे ऐसा कोई लोड लग रहा है जिससे वो 5.5 से सीधा 1.5 पे ड्रॉप हो रहा है, तो ये तो क्लियर है यहाँ से कि कोई ऐसा लोड लग रहा है, उसके बाद जो यूडीएल है वो कॉन्टिन्यूड है। अब मेरे को इसकी इंटेंसिटी भी नहीं पता ए और बी के बीच में, और बी और सी की भी इंटेंसिटी नहीं पता, और वो इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो इस लाइन का जो स्लोप होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब जो अगर मैं यहाँ पे कोई थीटा ये वैल्यू निकालूं तो वो जो थीटा होगा वो होगी इस यूडीएल की इंटेंसिटी, और जो कि यूजुअली हम नेगेटिव रखते हैं क्योंकि नेगेटिव स्लोप जो है वो डाउनवर्ड लोडिंग को शो करता है। उसके बाद यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है, फिर उसके यहाँ से लेके मतलब बी पॉइंट से लेके सी तक कोई भी ऐसा लोड नहीं दिख रहा, सी पॉइंट पे अचानक राइज आ रहा है इसका मतलब कोई कॉन्सेंट्रेटेड लोड या रिएक्शन लग रहा है, और सी से लेकर डी के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा। और ये मैं कैसे फाइंड आउट बता रहा हूँ आपको कि मतलब मैंने जो पिछला लेक्चर बताया था उसमें सभी ये की पॉइंट्स मौजूद हैं। अगर आपको नहीं मतलब आपको अगर मुश्किल हो रही है ये सब फाइंड आउट करने में तो आप एक बार प्लीज़ पिछला लेक्चर ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि ये स्लोप कैसे आया, एकदम से राइज फॉल कैसे आ रहा है। उसके बाद सी पे सी से लेकर डी के बीच में कोई भी लोड नहीं है, नहीं क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो शियर फोर्स है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट शियर फोर्स का मतलब है कि कोई भी लोडिंग नहीं है डी पॉइंट तक, और डी पे अचानक फिर 3 किलो न्यूटन का ड्रॉप आ रहा है जो कि जीरो तक जा रहा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कोई 3 किलो न्यूटन की फोर्स है जो अचानक उसको डी पे जीरो तक भेज रही है। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं हमारे लोडिंग डायग्राम में जो हमने अज्यूम करी है कि मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है शियर फोर्स डायग्राम को देख के।
तो मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर ये 10 किलो न्यूटन का अचानक से राइज आ रहा है तो मतलब 10 किलो न्यूटन का रिएक्शन लग रहा है किसी सपोर्ट पे, तो मैं वैल्यू दे देता हूँ 10 किलो न्यूटन। अगर मैंने इसको ए माना है तो ये आर ए की वैल्यू जो होगी वो 10 किलो न्यूटन होगी। तो मैं पहले ना लिखता चला जाता हूँ साथ में आर इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। उसके बाद देखो यूडीएल लग रहा है, चलो मैं यूडीएल सॉल्व कर लूंगा अभी थोड़ी देर तक, लेकिन बी पे जो है एकदम से फिर फॉल आ रहा है। तो ये फॉल कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, एक तो जो ऊपर वाली वैल्यू है मतलब ये हो गया 5.5 किलो न्यूटन प्लस जो नीचे की वैल्यू है ये कितनी है 1.5 किलो न्यूटन, तो 5.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 7.0 किलो न्यूटन। तो बी पे ऐसा कोई लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू है 7.0 किलो न्यूटन। उसके बाद फिर यूडीएल लग रहा है, वो भी हम अभी फाइंड आउट कर लेंगे कि कितनी इंटेंसिटी का लग रहा है स्लोप से। उसके बाद फिर अचानक एकदम से इसमें राइज आ गया, यहाँ पे जो 9 किलो न्यूटन की शेयर फोर्स थी नेगेटिव 9 किलो न्यूटन की, फिर वो 3 किलो न्यूटन पे पहुंच गई। तो इसका मतलब 9 प्लस 3 कितना हो गया 12 किलो न्यूटन का कोई रिएक्शन लग रहा है। तो आर सी इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। उसके बाद फिर 3 किलो न्यूटन का ड्रॉप आ गया, मतलब कोई ऐसा एक पॉइंट लोड है इधर लास्ट में जो कि 3 किलो न्यूटन के मैग्नीट्यूड का है। तो कुछ कुछ वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर ली अपनी अजम्पशन से। उसके बाद मैं देखता हूँ अब यूडीएल की इंटेंसिटी क्या रहेगी, इस यूडीएल की इंटेंसिटी क्या होती है जो इसका स्लोप होता है। और मैंने यूडीएल का आपको बताया था कि जो स्लोप फाइंड आउट होता है वो होता है ds by dx is equal to negative w, और ds by dx को मैं लिख सकता हूँ s2 minus s1 divided by x2 minus x1 is equal to जो भी आएगा यहाँ पे वैल्यू negative w, ठीक है। s2 क्या है, शेयर फोर्स एट दिस सेक्शन, माइनस s1 शेयर फोर्स एट दिस सेक्शन डिवाइडेड बाय x2 जो ये डिस्टेंस है, माइनस x1 जो कि a का डिस्टेंस है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करता हूँ मैं, तो s2 की वैल्यू कितनी है 5.5 माइनस 10 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0, इसका तो डिस्टेंस कुछ भी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव 4.5 डिवाइडेड बाय 6 विल गिव यू 0.75 किलो न्यूटन, नेगेटिव आएगा 0.75 किलो न्यूटन मीटर। ये है इसकी इंटेंसिटी। और नेगेटिव क्या डिनोट करता है, मैंने आपको हमेशा से शुरू से बताया है, पिछले लेक्चर में भी बताया कि नेगेटिव जो है वो डाउनवर्ड लोडिंग को बताता है। तो यहाँ पे नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.75 किलो न्यूटन मीटर, और जो उसकी जो लोडिंग का मतलब डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो ये हो गया ए से बी के बीच में जो यूडीएल की इंटेंसिटी है वो है 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये तो इंटेंसिटी अब हमें पता चल गई 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली इसकी इंटेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकता हूँ बी और सी के बीच में, वो क्या रहेगी, सेम यही फॉर्मूला लगा दो, ds by dx इज इक्वल टू नेगेटिव w, ओके s2 माइनस s1, ठीक है। अब ये 9 है, नेगेटिव 9 है क्योंकि यहाँ पे डायग्राम है नेगेटिव, हम नेगेटिव शो नहीं करते लेकिन जो वैल्यूज लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। इट मीन्स नेगेटिव 9 माइनस नेगेटिव 1.5 डिवाइडेड बाय dx। अब dx की वैल्यू कैसे आएगी, मतलब ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा 10 मीटर, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दो, क्या वैल्यू आएगी माइनस 9 माइनस 1.5, इसका मतलब क्या है कि 1.5 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 10, ऑलराइट। तो वैल्यू क्या आएगी 7.5 डिवाइड बाय 10, अगेन जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसका मतलब नेगेटिव इस यूडीएल की जो इंटेंसिटी है वो भी डाउनवर्ड है और 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर की है। तो यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी का यूडीएल। ऑलमोस्ट सब कुछ आ चुका है, लेकिन एक लास्ट ऐसा पॉइंट है जो हम हमेशा भूल जाते हैं करना, कि जो हमारा सपोर्ट है वहाँ पे जो मोमेंट्स हैं वो ज़ीरो आ रहे हैं या नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, हमको सिर्फ शीयर फोर्स गिवन है, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिवन होता तो हम कुछ अजम्पशंस और ज़्यादा ले सकते थे, लेकिन वो कभी गिवन नहीं है। तो मैंने भी ये अज्यूम किया था यहाँ पे कोई पिन सपोर्ट या रोलर सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे फिक्स सपोर्ट भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट ना हो। तो अगर मुझे ये चेक करना हो कि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है या नहीं, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, अगर मैं ए पॉइंट पे सभी फोर्सेस के मोमेंट्स को निकालूं, अगर वो ज़ीरो आते हैं इसका मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट है वो पिन या रोलर है, अगर वो नहीं आते तो इसका मतलब यहाँ पे जो है फिक्स सपोर्ट है। तो अगर मैं टेकिंग सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एट पॉइंट ए, तो टेकिंग ऑल द मोमेंट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड फोर्सेस, तो क्या आएगा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3 से। सो नेगेटिव 3 इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है
10 + 3 = 13, 13 + 6 = 19. इट मीन्स -3 × 19 + 12 × ये कितना है 10 + 6 = 16 × 16 - ये UDL लग रहा है 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर का, इसका मतलब 0.75 इंटू जिस डिस्टेंस पे लग रहा है कितने पे 10 + 6 = 16 इंटू जो इसका CG है वो कहाँ पे होगा 8 पे, तो इंटू 8 ठीक है। उसके बाद -7 × 6 क्या वैल्यूज आएंगी, -57 + 192 - 96 - 42 विल बी इक्वल टू -3 किलो न्यूटन मीटर ठीक है। इसका मतलब जो मोमेंट एट ए है, इट मीन सम ऑफ मोमेंट्स जो है ए पे, वो जीरो के इक्वल नहीं है, -3 किलो न्यूटन मीटर के इक्वल है। इसका मतलब जो सपोर्ट है वो सिंपली सपोर्टेड नहीं है, इसका मतलब पिन सपोर्ट या रोलर सपोर्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। तो जो डायग्राम आएगा इस बीम का वो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, उसके बाद इस बीम पे UDL लग रहा है 16 मीटर की लेंथ पे, ये लेंथ है 16 मीटर, उसके बाद यहाँ पे 6 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट लोड लग रहा है 7.0 किलो न्यूटन का, उसके बाद सपोर्ट लग रहा है सी पॉइंट पे जिसकी वैल्यू है 12 किलो न्यूटन, और उसके बाद एक और लग रहा है पॉइंट लोड जो कि है 3 किलो न्यूटन का। ये आएगी इस बीम की फाइनल लोडिंग डायग्राम, ये डिस्टेंस जो है 3 मीटर्स का है। आई होप आप इस क्वेश्चन से समझ पाए होंगे कि कैसे बनाना है आपको शियर फोर्स डायग्राम देख के इसका लोडिंग डायग्राम, उसके बाद आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख के लोडिंग डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। ऑलराइट, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एक बारी प्लीज़ ज़रूर डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, मैंने आपके लिए कुछ चीज़ पोस्ट करी है, अगर आपको लगता है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। थैंक यू सो मच।